जन्माष्टमी का त्यौहार एक ऐसा उत्सव है जो हिंदू भक्तों के घरों मंदिरों के अलावा जेलों में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कारागार में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कथा के अनुसार उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया और सब कुछ वैसा घटित हुआ जैसा भगवान चाहते थे। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था, इसलिए आज भी जेलों में जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर झांकियां सजाई जाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जेल के पुलिसकर्मी ही नहीं, कैदी भी इसकी तैयारियां पूरे उत्साह के साथ करते हैं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 18 और 19 अगस्त दोनों ही दिन मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। इसके पीछे की कहानी बेहद प्रचलित है, जिसके अनुसार द्वापर युग में मथुरा का राजा उग्रसेन था। उग्रसेन का पुत्र कंस बेहद महत्वाकांक्षी और क्रूर था। उसने अपने पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। कंस की बहन थी देवकी। देवकी से वह बेहद प्यार करता था। यही कारण है कि देवकी के विवाह के पश्चात कंस खुद रथ का सारथी बन अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में अचानक एक भविष्यवाणी हुई, जिसके अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल था। भविष्यवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो गया और देवकी वासुदेव को मथुरा की जेल में डाल दिया। जेल में ही देवकी ने अपनी 8 संतानों को जन्म दिया, जिसमें 8वें संतान के रूप में कृष्ण का जन्म कारागार में ही हुआ। कृष्ण से पहले जन्मे देवकी के सभी संतानों का कंस ने जन्म के साथ ही वध कर दिया। लेकिन जब कृष्ण का जन्म देवकी वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में हुआ, तब इससे पहले कि कंस नवजात की हत्या करता, वासुदेव ने उसे गोकुल में यशोदा और नंद के पास पहुंचा दिया। चूंकि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, इसलिए प्रत्येक साल जेलों में भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही उल्लास उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।